तो आज स्मैकडाउन के शो के अंदर यूनिवर्सल टाइटल पिक्चर में एक और ट्विस्ट आ जाता है और रोमन रेंज हमें फिन बैलर को एक बार फिर से टारगेट करते हुए नजर आते हैं। और जॉन सीना इस हफ्ते स्मैकडाउन के शो के अंदर नहीं थी तो काफी सारे फैंस डिसअपॉइंट थे इस चीज को लेकर, लेकिन फाइनली WWE ने अगले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए जॉन सीना का एक बहुत ही बड़ा प्रोमो सेगमेंट कन्फर्म कर दिया है। क्या कुछ जॉन सीना करने वाले आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। साथ ही में आने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए भी WWE ने दो बहुत ही बड़ी चीजें ऑफिशियली अनाउंस कर दी हैं और एडम कोल के न्यू WWE कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है सामने, क्योंकि आज के स्मैकडाउन की बैक स्टेज के ऊपर एडम कोल और विंस मैकमैन के बीच हुई थी एक हाई प्रोफाइल मीटिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं WWE के आने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जो कि मे बी रॉक का एक अच्छा एडिशन हो सकता है। अब आने वाले रॉ के एपिसोड के लिए WWE ने दो जो प्रोमो सेगमेंट्स या फिर दो सेगमेंट्स कह लो ऑफिशियली कंफर्म कर दिए। पहले जो सेगमेंट है वो शार्लट फ्लेयर का होने वाला है। हमने देखा किस तरीके से पिछले हफ्ते निकी एश ने किसी तरीके से हरा दिया और वो बन गई ऑलमोस्ट सुपर हीरो। तो यहाँ पर शार्लट फ्लेयर इस चीज का रिस्पॉन्स देते हुए नजर आएंगी किस तरीके से वो ओवर कॉन्फिडेंट थी और निकी ASH ने उन्हें हरा दिया। और मे बी यहाँ पर निकी एश और शार्लट फ्लेयर की कॉन्फ्रंटेशन हो सकती है और मे बी हो सकता है एक बार फिर से इनका मैच होता हुआ नजर आए। बाकी हो सकता है तीनों वुमेन्स के बीच रिया रिप्ली शार्लट और निकी एश के बीच हमें एक मैच होता हुआ नजर आए, या फिर मे बी पॉसिबिलिटीज ऐसी भी आ रही है सामने कि निकी एश और रिया रिप्ली के बीच हमें शो के ऊपर एक सिंगल्स मैच दिखाई दे। बाय द वे जब शार्लट फ्लेयर इस चीज को कन्फ्रंट करने वाली है तो देखने मजा आने वाला है क्या कुछ होता है इस स्टोरी लाइन के अंदर। इसके अलावा बॉबी लैशली को लेकर भी WWE ने एक बड़ा प्रोमो सेगमेंट अनाउंस कर दिया। WWE ने यहाँ पर यह बात अनाउंस की है कि जो अपने WWE चैंपियन थे डोमिनेटर बॉबी लैशली है वो हमें रिप्लाई देते हुए नजर आएंगे। वो अपना रिएक्शन देते हुए नजर आएंगे जब पिछले हफ्ते गोल्डबर्ग ने MVP को स्पीयर लगाया और लैशली को आके कन्फ्रंट किया था गोल्डबर्ग ने। और यहाँ पर लैशली ने उस टाइम तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन अपने सख्त लौंडे लैशली हमें आने वाले रॉ के अंदर उस चीज का फाइनली रेस्पॉन्स देते हुए नजर आएंगे। एंड इस रॉ के एपिसोड के लिए एक बार फिर से गोल्डबर्ग को एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा और ना ही प्रोमो सेगमेंट के अंदर, यानी कि जो पूरी एडवर्टीजमेंट प्रीव्यू वीडियो आई है सामने इसके अंदर भी गोल्डबर्ग का मेंशन नहीं है कि वो आने वाले रॉ में आएंगे या फिर नहीं। आई थिंक देखो लैशली और गोल्डबर्ग की जो स्टोरी लाइन है वो अच्छी हो सकती है अगर गोल्डबर्ग रॉ के एपिसोड को मिस ना करें। लेकिन अगर आप एक रॉ में आते हो एक रॉ में नहीं आते हो तो स्टोरी लाइन उतनी ज्यादा जम नहीं पाती। बाकी देखते हैं क्या होता है अपने लैशली का रिस्पॉन्स जब उन्हें अपने WWE चैंपियनशिप को अब एक तरह का डिफेंड करना ही पड़ेगा गोल्डबर्ग के खिलाफ, क्योंकि WWE ने इस मैच को ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया है। जो आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, ये जुड़ी है फॉर्मर NXT चैंपियन एडम कोल भाई के बारे में। एडम कोल का WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला था समर स्लैम से पहले, लेकिन WWE से बातचीत करने के बाद एडम कोल जस्ट बिना कॉन्ट्रैक्ट के इस बात से एग्री हो गए कि कुछ और दिन समर स्लैम के बाद वो हमें WWE के अंदर जरूर कंपीट करते हुए नजर आएंगे। और स्टिल एडम कोल ने WWE के साथ एक भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। अब इसको लेकर जो एक और अपडेट रिसेंटली आई है सामने उसका मानना ये कि जो रिसेंट स्मैकडाउन का शो यानी कि जो आज के स्मैकडाउन के एपिसोड था वहां पर बैक स्टेज के ऊपर एडम कोल थे और एडम कोल और विंस मैकमैन के बीच स्मैकडाउन के दौरान हो रही थी एक बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल मीटिंग। और ये जो मीटिंग थी वो पूरी की पूरी थी एडम कोल के न्यू WWE कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। माना जा रहा है कि एडम कोल को पहले WWE ने एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था लेकिन उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट कर दिया। इसके अलावा ये भी अपडेट आई है सामने कि ऑल इलीट रेसलिंग प्रमोशन ने भी एडम कोल को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था और अभी तक उसका जो रेस्पॉन्स है एडम कोल ने दिया नहीं है वो अलग बात है। रिसेंटली टोनी खान ने कहा है कि नहीं भैया हम तो ऐसे कर ही नहीं रहे, हम जिस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करें वो जरूर उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पर एडम कोल के केस में चीजें थोड़ी डिफरेंट है, अभी फिलहाल वो पूरी सिचुएशन को समझ रहे हैं और माना यह जा रहा है किसी तरीके से विंस मैकमैन की इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के अंदर वो एडम कोल को हमें कन्विंस करती हुई नजर आएगी उनके WWE के एक और न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अभी फिलहाल ये बात क्लियर नहीं हुई है कि यहाँ पर HHH भी शामिल है, लेकिन ये बात क्लियर है कि एडम कोल और विंस मैकमैन के बीच ये तगड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है कुल मिला के एडम कोल के पूरे न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। बाकी देखते हैं जो फाइनल डिसीजन है वो अपने एडम कोल का ही रहने वाला है। अगर उन्हें मजा आता है एक बार फिर से WWE के साथ काम करने में तो डेफिनेटली वो हमें इसी डील के अंदर इसी फाइनल मीटिंग के अंदर हाई प्रोफाइल मीटिंग में रीसाइन करते हुए नजर आएंगे, वरना शायद ऐसा हो सकता है कि वो WWE को कर दे लीव और वो हमें AEW के कॉन्ट्रैक्ट का रिस्पॉन्स देते हुए नजर आए। मजा आएगा देखने में एडम कोल की जो सिचुएशन है काफी ज्यादा हीटअप हो चुकी है, काफी ज्यादा हेडलाइंस बन चुकी है कि भाई एडम कोल रहेंगे कि जाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में ये बंदा WWE का जरूर फ्यूचर होने वाला है या आने वाले टाइम में मेन रोस्टर के अंदर बंदा एक मेन इवेंटर होने वाला है जस्ट लाइक ड्रू मैकइंटायर। ड्रू मैकइंटायर NXT के अंदर ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे लेकिन जब से वो मेन रोस्टर के अंदर गए हैं भैया अपने स्कॉटिश वॉरियर ने धमाल मचा कर रख दिया है। तो एडम कोल का भी मेरे हिसाब से ये सीन होगा और होप ये करूंगा कि WWE
भाई उनको WWE से किसी भी हालत में जाने ना दे। नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं, ये जुड़ी है इस बार अपने जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना आज के स्मैकडाउन के शो के अंदर नहीं है, जरूर हम इस चीज से डिसअपॉइंट थे, और स्मैकडाउन के ईयर ऑफ होने के बाद वही उनका जो पुराना सिक्स मैन टैग टीम एक्शन है वो हमें होता हुआ नजर आता है। लेकिन अगले हफ्ते का जो स्मैकडाउन के एपिसोड है वहां पर चीजें और भी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न वाली होंगी। हमने देखा है स्मैकडाउन के शो में एक बार फिर से रोमन रेंज ने फिन बैलर को टारगेट किया और फिन बैलर की वो हमें धुलाई करते हुए नजर आए। इनफैक्ट फिन बैलर ने कहा था कि अगर उन्हें रोमन से लड़ना पड़ेगा यूनिवर्सल टाइटल के लिए, वो रोमन से लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें जॉन सीना का फेस करना पड़ेगा, जॉन सीना को पहले हराना पड़ेगा, फिन बैलर उस चीज के लिए भी पूरे तरीके से रेडी हैं। तो इसको लेकर WWE ये बात पूरे तरीके से ऑफिशियली अनाउंस करती है कि कल जब लाइव होने वाला है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, वहां पर हमें जॉन सीना आते हुए नजर आएंगे और जॉन सीना अपना रिस्पॉन्स देने वाले हैं जब फिन बैलर ने चैलेंज किया रोमन रेंज को, और रोमन रेंज स्टिल फिन बैलर को हमें टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मे बी आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर ये बात क्लियर हो जाएगी कि आने वाले टाइम में जॉन सीना या फिन बैलर का मैच होने वाला है नंबर वन कंटेंडरशिप के लिए, या फिर रोमन रेंज और जो फिन बैलर का मैच है वो होने वाला है समर स्लैम से पहले, या फिर ये जो मैच है वो ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर कन्वर्ट होगा। मेरे हिसाब से जो अगले हफ्ते स्मैकडाउन का एपिसोड है वो एक डोंट मिस एडिशन होगा, काफी एंटीसिपेटेड शो होने वाला है और मजा आएगा देखने में जब जॉन सीना फाइनली हमें शो के ऊपर एक बार फिर से आते हुए नजर आएंगे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, वैसे स्मैकडाउन को देखने में काफी मजा आया था बिना जॉन सीना के भी, लेकिन भैया जब से जॉन सीना आया ना तब से अगर वो स्मैकडाउन के अंदर ना आए तो चीजें काफी ज्यादा अधूरी अधूरी टाइप से लगती हैं। एंड लेट्स सी क्या होता है अगले हफ्ते एक डोंट मिस स्मैकडाउन एडिशन के अंदर। तो भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना हो ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नए फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।